हे फ्रेंड्स, इट्स मी ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक ड्राइंग वीडियो, जिसको मैं बनाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, जिसमें एक ड्राइंग है और एक कलर है जिसमें मुझे कलर करना है। क्योंकि आज बनाने वाली है एक ड्राइंग है, एक ये सॉल्यूशन है, कलर तो हो गए। तो बेसिकली मैंने इसको बनाया है एक एक्रेलिक कलर्स से, थोड़ा इतना सा अमाउंट ऑफ एक्रेलिक कलर और अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, जिससे मेरे को ये कलर मिला है और इसका यूज़ करने वाली हूँ मैं अपनी ड्राइंग में। और उसके बाद हम करेंगे उस पर बहुत सारी डिटेलिंग और उसे अच्छा बनाने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, तो वीडियो पूरा देखो और चलो अभी टेबल पे चलते हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय टेबल। और मैंने ये जो ग्लास में है वो सॉल्यूशन लिया है पर्पल कलर का, जिसे मैंने एक्रेलिक पेंट से और वाटर की हेल्प से मिक्स किया है। सो गाइज़, मैंने इस सॉल्यूशन को ज़्यादा थिक भी नहीं किया है, ना ज़्यादा थिन किया है, एकदम मीडियम स्टेज पे रखा है। और मैंने इसको एकदम रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ किया है अपनी ड्राइंग के साइड में। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस कलर को पूरी ड्राइंग पे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये स्पेशल तरीके की ड्राइंग है। इसको मैंने एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ किया है और एक आउटलाइन ड्रॉ की है उस शेप के हिसाब से, और ब्लैक कलर आउटलाइन पे कर दिया है। और जिस एरिया पे कलर है, मैं उसी एरिया पे इसे कलर करने वाली हूँ। और जो बाकी रिमेंबर एरिया है जहाँ पे मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है पर्पल कलर का, सो मैं उस पर कुछ नहीं करने वाली हूँ, वो ऐसी ब्लैंक रहने वाला है। सबसे पहले मैं इसके हेयर के लिए ही करने वाली हूँ पर्पल कलर, जिसके लिए मैंने एकदम डार्कर शेड यूज़ किया है। और मैंने इसकी ये पूरी आउटलाइन करना शुरू कर दिया है एकदम अच्छे से। मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट होने के लिए, जहाँ जहाँ शेड के लिए मैंने गैप छोड़ा है, कि वहाँ पे ही मैं दूसरा लाइट कलर यूज़ कर सकूं। और मैंने लेफ़्ट साइड का हेयर कलर पूरा कर दिया है, और देख रहे हैं मैंने गैप छोड़ रही हूँ बीच बीच में अपना हाईलाइट करने के लिए। मैं दूसरा कलर भी यूज़ करने वाली हूँ एकदम। सो गाइज, ये कलर जैसे कि एकदम अलग वर्जन ऑफ ड्राइंग होती है, इसमें आप पूरी ड्राइंग पर कलर नहीं करते, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया रखते हैं और जिस पर आप ड्राइंग करते हैं। और इस पर मतलब इस कलर को, टेक्निक को मैंने पहले भी यूज़ किया है, लेकिन मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था, लेकिन मैं अभी दोबारा यूज़ कर रही हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जिस रिमेंबर एरिया है, जहाँ जहाँ गैप छोड़ा है, वहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट कलर। पहले तो मैंने पेंसिल कलर यूज़ किया है वाइट का, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने पेन कलर पेन लिया है, वाइट पेन उसको यूज़ किया है। एकदम वाइट पेन तो एकदम मस्त चल रहा है, और इसलिए मैंने जहाँ जहाँ एरिया छूटा हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने सब वाइट कलर कर दिया है। सो मैंने आउटलाइन करने के लिए एकदम बैकग्राउंड में कि कौन सा कलर करूँ, तो मैंने एक ब्लू कलर लिया है, और ब्लू शेड का इसमें कलर नंबर होगा, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है सबसे पहले डार्क ब्लू, लाइट ब्लू कलर, और फिर मैंने बैकग्राउंड में यूज़ किया है डार्क ब्लू कलर। और देख रहे हैं जो आप हो चुका है, लेकिन मुझे ये थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं किया कि पर्पल फिर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, सो मैंने डार्क ब्लू का शेड लिया है जो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है, और उसको मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में यूज़ किया है। और तो मेरे को लगा थोड़ा तो कमी हो रही है कहीं पे, सो मैंने वाइट पेन लिया है और वाइट पेन से मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जहाँ पे लाइट ब्लू किया था उसको मैंने वाइट कर लिया, क्योंकि वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में और करने में, इसलिए मैंने वाइट का यूज़ कर लिया। और जहाँ जहाँ मैंने ब्लू कलर किया था उसको मैंने ऊपर से वाइट कलर कर दिया। तो होता है कभी कभी कि जिस मुताबिक आपको जो चाहिए होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो मेरे को वाइट चाहिए था, इसलिए वाइट अच्छा भी लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ब्लू तो पता नहीं चल रहा है, तो मैंने वाइट कलर ले लिया। सो मैंने ये वाइट जो पेन है उसको मैंने बैकग्राउंड में भी यूज़ किया है, और डॉट 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 करके थोड़ा बहुत स्टार्स वगैरह बना के मैंने बैकग्राउंड में यूज़ किया है। फेस के लिए मैं यूज़ करने वाली एकदम लाइटर वर्जन ऑफ द स्किन कलर, और उस स्किन कलर को मैंने एकदम फेस पे अप्लाई किया है आईज को छोड़ के। मैंने एयर पर भी यूज़ किया है, उसके बाद लिया है मैंने ग्रे कलर, और जहाँ जहाँ पर मेरे को मैंने एयर पर थोड़ा थोड़ा हेयर के पास आउटलाइन करना शुरू कर दी है, जिससे थोड़ा बहुत शेडिंग का पता चलेगा
लगेगा और थोड़ा ऐसा लगेगा थोड़ा बहुत की शेडो पड़ रही है, इसलिए मैंने स्किन कलर लिया है। और थोड़ा चीक्स पे मैंने डार्क रेड और लाइट पिंक का यूज़ किया है। आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है एकदम ब्लैक कलर और इसकी आईलैशेस टाइप में बनाई है मैंने। उसके बाद आईज़ के लिए मैंने यूज़ किया है सबसे पहले ब्लैक कलर, क्योंकि देखो इसकी आईज़ होने वाली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट, और इसको थोड़ा और डार्क करने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लैक और थोड़ा सा वाइट कलर भी यूज़ किया है। और मैं इसे थोड़ा आँखों के बाहर बाहर पूरी आँखों में भी वाइट कलर यूज़ करूँगी, जिससे थोड़ा ज़्यादा और अट्रैक्टिव लगेगा ये आँखें। और मेरे को इस ड्राइंग में सबसे अच्छी लग रही है इसकी आँखें। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइंग कलर करते समय और जो ओरिजिनल आउटलाइन होती है वो छुप जाती है कलर्स के नीचे, तो अब कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने दोबारा आउटलाइन की दोबारा, मतलब इस ये ऊपर कलर्स के ऊपर, जिससे थोड़ा सा और नेचुरल इफ़ेक्ट्स आ रहा है। और मैंने ईयर्स वगैरह थोड़ा जो थोड़ा हाइलाइट्स होता है वो ज़रा डुब वो मैंने क्रिएट किया है। और हेयर्स करने के बाद थोड़ा ज़रा हेयर्स पे ही करने वाली हूँ बेसिकली, नोज़ वगैरह पे भी मैंने किया है और इसकी परफेक्ट नोज़ बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले इससे अच्छी नोज़ नहीं बनाई थी, लेकिन दोबारा आउटलाइन करते समय इसकी एक अच्छी सी नोज़ बन गई है। सो गाइज मैं इसकी आईज़ करने वाली हूँ, आईज़ पे भी आउटलाइन की है मैंने, दोनों आईज़ पे की है आउटलाइन। हेयर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा आईज़ के ऊपर आईलैशेस पे भी यूज़ किया है। आईब्रोज बनाई है जो ज़्यादा अब हाईलाइट हो रही है दोबारा आउटलाइन करने के बाद, और दोबारा हेयर भी मैंने किया है। सो पूरा बेसिकली कंप्लीट हो गया है और लेफ़्ट हेयर भी हो चुके हैं। और गाइज दिस इज़ वॉज अ फाइनल लुक, और आप खुद चेकआउट करें। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।